जन्म से मर सकते हैं या भूख से संतुलन खो सकते हैं, फिर भी आगे बढ़ना होगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों का स्वागत है, जहां पर आज हम फिर से बात करने वाले हैं हॉलीवुड की कुछ जबरदस्त और बेहतरीन फिल्मों के बारे में, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्रीली और हिंदी में अवेलेबल है। अगर गेम में लाइन से भटके तो रीसेट कर सकते हो, लेकिन ट्रैक पर भटके तो मौत को गले लगाओगे। मैं इस ट्रैक को जानता हूं, गेम में हजारों बार इस पर रेस की है। हमेशा की तरह ये मूवीज एक से बढ़कर एक होने वाली है। लगभग हर तरह की मूवीज आज की लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इन मूवीज के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखना। जल्द से जल्द इन मूवीज को देख लेना, क्योंकि ये YouTube से कभी भी रिमूव या फिर डिलीट हो सकती है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट मूवीज को डाउनलोड करके देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के काउंटडाउन शुरू करते हैं। काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं साल 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी से, जिसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स पार्ट 3। दोस्तों, इस सीरीज के शुरुआती दो पार्ट्स काफी पॉपुलर हुए थे, काफी कमाल की मूवीज थी वो, लेकिन तीसरा पार्ट उतना ज्यादा कमाल का नहीं है, हालांकि वन टाइम वॉच तो है। कहानी की बात करें तो इस मूवी के अंदर हमें एक सार्जेंट और उसके कुछ साथियों को दिखाया जाता है, जो कि एक मिशन पर होते हैं। दरअसल ये लोग किसी भी तरह से क्रीपर को जान से खत्म करना चाहते हैं, ताकि वे और तबाही न मचा सके। लेकिन इस मिशन के दौरान इन्हें पता चलता है कि वह यानी कि क्रीपर इनकी सोच से कई ज्यादा खतरनाक है, और अब ये सभी वहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब आखिर तक ये लोग क्या करते हैं, अपनी जान कैसे बचाते हैं, या फिर क्रीपर को कैसे पकड़ते हैं, उसे मारते हैं, वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 3.9/10। नंबर 9 पर आती है आफ्टर। मूवी 2019 में रिलीज हुई एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें टेसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होती है, एक अच्छी बेटी होती है और अपने बॉयफ्रेंड की एक अच्छी गर्लफ्रेंड होती है। यानी कि टेसा हर चीज के अंदर लॉयल होती है, वह एकदम से परफेक्ट होती है ऑलमोस्ट। और टेसा की लाइफ लगभग से और टेसा की लाइफ चल रही होती है एकदम बेस्ट। लेकिन एक दिन उसकी कॉलेज के अंदर उसे मिलता है एक लड़का, जिसे मिलने के बाद उसे पता चलता है उसकी लाइफ के असली मीनिंग के बारे में। अब यहां से टेसा आगे और क्या कुछ करती है, क्या होता है इस दौरान मूवी के अंदर, वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3/10। नंबर 8 पर आती है प्रोजेक्ट पावर। ये मूवी 2020 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर साईफाई मूवी है। दोस्तों, क्या हो अगर हमें एक ऐसी टेबलेट या फिर कैप्सूल मिल जाए, कोई ऐसा कैप्सूल जिसे खाने के बाद हमारे पास सुपर पावर्स आ जाए। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इस मूवी के अंदर हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक शहर के अंदर कुछ ऐसे कैप्सूल्स लोगों को मिल जाते हैं, जिन्हें खाने के बाद उनके अंदर सुपर पावर्स आ जाती है, लेकिन ये लोग इन पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब इसी बीच हमें एक फॉर्मर सोल्जर को दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर इन खतरनाक कैप्सूल्स के पीछे आखिर कौन है उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाता है। आखिर तक वह इन लोगों को पकड़ पाता है या नहीं, शहर में सब कुछ नॉर्मल कर पाता है या नहीं, वो आपको मूवी में देखना है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6/10। नंबर 7 पर आती है हाई हीट। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें एक फॉर्मर KGB ऑपरेटिव को दिखाया जाता है, जो कि अपने हस्बैंड के साथ काफी खुश होती है, लेकिन उसके हस्बैंड ने लोकल क्राइम सिंडिकेट के लोगों से काफी सारा कर्ज ले रखा होता है, और क्योंकि वे टाइम पर नहीं चुका पाता, इसीलिए वे क्राइम सिंडिकेट वाले उनके एकमात्र रेस्टोरेंट को उनसे छीनने के लिए आ जाते। लेकिन वे फॉर्मर KGB ऑपरेटिव यानी कि वे औरत कैसे भी अपने रेस्टोरेंट को बचाने की कोशिश करती है। अब आखिर तक वे कैसे उन खतरनाक लोगों से निपटती है, वो के लिए आपको मूवी को देखना होगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.8/10। नंबर 6 पर आती है अल्ट्रासाउंड। मूवी 2021 में रिलीज की गई थी। यह एक थ्रिलर साईफाई मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें ग्लेन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक मौसम के अंदर अपनी कार से कहीं पर जा रही होती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कार खराब हो जाती है, और पास ही में मौजूद एक घर से जिसके अंदर एक कपल रहता है, वे उस कपल से मदद लेती है, और वे कपल उस लड़की को अपने घर के अंदर ठहरने के लिए कहता है, और वे लड़की इसके लिए मान भी जाती है। लेकिन ग्लेन को जल्द ही पता चल जाता है कि उस घर के अंदर कुछ नॉर्मल नहीं है, वह बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर फंस चुकी है। लेकिन अब
काफी देर हो चुकी है। सैमी ग्लेन कैसे अपने आप को बचाती है और आखिर क्या मिस्ट्री है उस घर की, वो जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8/10। हमारी फिफ्थ मूवी है द लीजेंड ऑफ टॉमी रिस। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई एक ड्रामा हिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें टॉमी रिस को दिखाया जाता है जो कि द ग्रेट क्वीन होती है एक साम्राज्य की। लेकिन एक टाइम था जब टॉमी रिस से उसका सब कुछ छीन लिया गया था, लेकिन टॉमी रिस हार नहीं मानती है। वह अपने लोगों को फिर से इकट्ठा करती है और जो कुछ भी उससे छीना गया था वह सब कुछ फिर से हासिल करने में निकल जाती है। और ये सब कुछ इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलता है। काफी कमाल की मूवी। अगर आपको वॉर एडवेंचर हिस्ट्री मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको काफी पसंद आएगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है 6.2/10। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है एक काफी कमाल की सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है अगेंस्ट द आइस। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई एक एडवेंचर ड्रामा सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें 1909 के टाइम को दिखाया जाता है जहां पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने देश की जमीन को बचाने के लिए एक ऐसे मैप को ढूंढने के लिए निकले हैं जिन्हें ढूंढने के लिए पहले भी कई लोग जा चुके हैं लेकिन वापस नहीं लौटे हैं। और अब इन दोनों को कैसे भी उस मैप को फिर से हासिल करना ही होगा लिमिटेड टाइम के अंदर, ताकि ये अपने देश की लैंड के बारे में पता लगा सके और जो दूसरे देश है इनकी जमीन को ना छीन पाए। अब ये दोनों निकल जाते हैं एडवेंचर पर, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि ये बहुत ही बुरी सिचुएशन के अंदर फंस जाते हैं। इनके पास खाना पानी कुछ भी नहीं बचता। ऐसे में ये कैसे सर्वाइव करते हैं वो आपको मूवी में देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग 6.2/10। नंबर 3 पर आती है द लीजेंड ऑफ गार्डियंस। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई एक फैमिली एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें सोरेन नाम के एक ओल यानी कि उल्लू को दिखाया जाता है जिसे कुछ खतरनाक उल्लू किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल वे जो बुरे उल्लू होते हैं वे सोरेन को अपने जैसा एक सोल्जर बनाना चाहते हैं ताकि ये उनके बुरे इरादों को पूरा करने में उनकी मदद कर सके। लेकिन सोरेन उनका साथ नहीं देता और कुछ अपने अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ से भाग जाता है। और अब वे इनके बुरे इरादों को अपने लोगों को बताने के लिए निकल जाता है। आखिर तक उसके साथ क्या होता है वो आपको मूवी में देखना है। काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9/10। नंबर 2 पर आती है लेट अस प्रे। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम रेचल हैगी होता है। और रेचल एक दिन जब अपनी ड्यूटी पर होती है तब उसके सामने कोई किसी को हिट करके भाग रहा होता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। और अब वे उसे पूछताछ करती है, छानबीन करती है, लेकिन मुसीबत तब आ जाती है जब उसका एक कलीग यानी कि दूसरा पुलिस ऑफिसर विक्टिम को उस पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाता है। और अब यहां से मूवी के अंदर असली मिस्ट्री की शुरुआत होती है। आगे की कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा, स्पॉइल नहीं करूंगा, जाकर देखे और खुद एंजॉय करे। काफी कमाल की मूवी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8/10। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं लास्ट और नंबर 1 मूवी के बारे में। तो दोस्तों नंबर 1 पर आती है ग्रैंड ट्यूरिज्मो। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा स्पोर्ट मूवी है और यह एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड मूवी है जिसके अंदर जो कुछ भी दिखाया गया है वो सब कुछ सच में हुआ था। कहानी की बात करें तो मूवी के अंदर हमें एक ऐसे लड़के को दिखाया जाता है जो कि गेम खेलने में एक्सपर्ट होता है। वह बैठे बैठे दिन भर गेम खेलते रहता है, कार रेसिंग के गेम खेलते रहता है। लेकिन एक दिन उसे मौका मिलता है असली कार को चलाने का यानी कि कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन गेम में और असली कार रेस में बहुत अंतर होता है। ऐसे में वे कैसे अपने आप को साबित करता है और इसके अलावा मूवी के अंदर क्या कुछ होता है वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग 7.3/10। तो दोस्तों ये थी वो कुछ कमाल की और बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज जो कि यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है एक मूवी को छोड़कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में और बेहतरीन मूवीज और सीरीज के काउंटडाउन के साथ।